सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत की जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया है। जिस दशमत के साथ शर्मनाक करतूत को अंजाम दिया गया, उस दशमत से अब गांव के लोग डरने लगे हैं। दशमत की माने तो उसके साथ 5 पुलिसकर्मी हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से गांव वाले अब उनसे बात करने से भी डरते हैं। सब डरते हैं, पुलिस वाले और हमसे सब डरते हैं। अब क्या पता सर क्यों डरते हैं, वो अपने आप जाने। इससे पहले जब दशमत रावत से पूछा गया कि क्या वो सरकार से खुश हैं, तो दशमत रावत का जवाब था कि सरकार सारे वादे तो पूरे कर रही है, बस अब नौकरी दिला दे। हमको नौकरी की मांग है सर जी। क्या आपको नौकरी दी जाए जी? अब मलकी सपना बुलवाई हम की काहे बुलवाई ला। नहीं तो जो आश्वासन दिया गया था आपको कि आपको नौकरी दी जाएगी, तो क्या कोई विभाग का नाम बताया गया है कि इस विभाग में आपको चपरासी के चपरासी की ड्यूटी मिलने वाली है, अपना पता कहीं मिल सकती है। फिलहाल दशमत रावत का घर बन रहा है। पेशाब कांड के बाद दशमत रावत के परिवार वालों के दिन भी बदल गए। अब बस दशमत की एक ही ख्वाहिश है कि उनको और उनकी पत्नी को नौकरी मिल जाए। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।